पेशेंट जब यहाँ से ठीक हो जाते हैं ना, मतलब काफी हद तक जब ठीक होके चले जाते हैं, 3-4 महीने सही चलते हैं, चौथे महीने उनके अंदर कीड़े बुलबुलाते हैं, सर होंदो तो शुरू करता, मेरा जी कर रहा छित्तर लाओ पहला, भाई पहला किडनी फेल सी, हम दोबारा रिकवर हो गया, दोबारा खराब करनी है। भाई दूध नकली है बाजार में, क्यों नहीं समझ आ रहा आप लोगों को, नकली दूध है। नहीं साडे ना घर की मज है, साडे घर की मज है, घर की मज है मतलब तो मतलब दूध सही है। अब एक बात बताओ, गाय भैंस दूध कब देती है? गाय भैंस दूध कब देती है? जब वो प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद जब बच्चा देती है, ठीक है ना। अब आप बताओ कौन सी गाय भैंस का आजकल नेचुरल बच्चा पैदा करवाया जा रहा है, पहले तो ये बताओ मुझे। जो भी दूध का बिजनेस कर रहा है वो गाय भैंसों का बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं कर रहा, वो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करके उस तरह से उसको प्रेग्नेंट करते हैं, जो कि पेनफुल प्रोसेस है। फिर उसको हार्मोन्स के टीके लगते हैं, स्टेराइड लगते हैं, एंटीबायोटिक लगते हैं, एंटीवायरल लगते हैं, ग्रोथ हार्मोन लगते हैं, ताकि फटाफट वो गर्भकाल पूरा हो जाए। आजकल गायों का गर्भकाल जो 9.5 महीने का था वो 8 महीने का, 7 महीने का रह गया है। वो इंजेक्शन दे दे के बच्चा जल्दी पैदा करा के दूध निकलना शुरू होता है। बच्चा तो उन्होंने मारना होता है, बछड़ा होता है तो मार देते हैं, बेच देते हैं, सिर्फ बछड़ी होती है तो उसको खड़ा रखते हैं वो, तो वो क्या करते हैं जल्दी पैदा कर रहे हैं बच्चों को, उससे क्या हो रहा है सारे हार्मोन्स बिगड़ रहे हैं। फिर जब उनका जो दूध आ रहा है वो दूध हेल्दी कैसे हो जाएगा, वो अपने बच्चे के लिए दूध दे रही है ना। और आपका बच्चा जब पैदा होता है कितने किलो का होता है, हमारे घरों में बच्चा पैदा होता है 2.5 किलो का, 3 किलो का, अच्छा 6 महीने में कितने किलो का हो जाता है, बस कितने कितना गुना बढ़ता है। और बछड़े का बच्चा जब पैदा होता है कितने किलो का होता है, 14 किलो का, 16 किलो का, और वो 6 महीने में कितने किलो का हो जाता है, 100 किलो का। तुमने अपने बच्चों को भैंसे बनाना है, क्यों पिला रहे हो दूध? अच्छा नहीं, असी ना अपने बच्चियां नू गाय दा देने हैं, और माई दा ना देने नहीं, असी गाय दा देने हैं, बच्चों को गाय का देते हैं, मतलब बच्चों को गाय का देते हैं, खुद भैंस का पीते हैं। क्यों पीते हैं जी, गाढ़ा है, सफेद है, ज्यादा देती है ना, यही चक्कर है। अच्छा कहावत क्या है, गाय हमारी, अच्छा भैंस पे क्या, अकल बड़ी के गई भैंस, काला अक्षर जिसकी लाठी, भैंस क्या के मैं बजा रहा हूं क्योंकि तुमने सुधरना नहीं। अच्छा कहावतें बनाने वालों ने बनाई क्यों थी, इशारे इशारे में आपको कहना चाह रहे थे कि भैया हाथ जुड़ा लो, ये पीने लायक दूध नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर भैंस का दूध इतना ही बढ़िया है तो अमेरिका में एक सिंगल भी व्यक्ति भैंस का दूध क्यों नहीं पीता, रशिया में क्यों नहीं पीता, जापान में क्यों नहीं पीता, चाइना में क्यों नहीं पीता, अमेरिका में, डेनमार्क में, स्वीडन में, नॉर्वे में, कोई देश का नाम तो बताओ जहां कोई भैंस का दूध पीता है। आप बताओ मुझे देश का नाम, कोई देश का नाम बताओ जहां कोई भैंस का दूध पीता हो, एक सिंगल। भैंसे हर देश में है लेकिन जंगल में आवारा पशु के रूप में। ये भारत ही ऐसा बेवकूफों का हमारे दिमाग में अंग्रेज बुद्धि में डाल के चले गए कचरा कि हमें लगता है ये गाढ़ा देती है, सफेद देती है तो पी लो। आग का दूध भी है भैया, पी लो, आग का पौधा होता है ना उसका भी दूध निकलता है, वो भी पी लो, फिर दूध है वो भी। अगर आपको पीना है आप नारियल का दूध पियो, आप बादाम का दूध पियो, आप मूंगफली का दूध पियो, किसने मना किया है? जितना जरूरत थी ना आप अपनी मां का पी चुके हो।